जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व। S-400 ने सिर्फ कथित तौर पर दुश्मन के फाइटर जेट्स को टारगेट करके मार ही नहीं गिराया बल्कि उसने जो दूसरे विमान थे उसमें इस तरह से खौफ पैदा किया कि वो अपने जिस कथित तौर पर मिशन के लिए आए थे वो उससे डरकर लौट गए। बहुत ज्यादा यानी हमारे लिए खतरनाक होगा। इन एनी केस 5 सिस्टम जब डिप्लॉय करते हैं और हर सिस्टम को आप ओवरलैप रख के भी करते कर लें तो ऑलमोस्ट ये 2000 किलोमीटर की कवरेज लीनियर में मिल जाएगी इनको सिंगल लेयर में। भारतीय वायुसेना ने S-400 की ताकत को परखा, इसके लिए अपने ही विमान को कथित तौर पर दुश्मन का विमान बनाया गया और इसके बाद S-400 सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। पाकिस्तान को तो कहते हैं कि ये फेलिंग स्टेट है, हमारा तो मुकाबला चीन के साथ है। इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं। पॉलिसी बनाई जाए कि भारत को जितना भी सपोर्ट चाहिए है अपनी इंटेग्रिटी डिफेंस के चक्कर में, सिविल स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो भी चाहिए भारत को काउंटर करने के लिए चाइना को, वो इमीडिएटली भारत को दिया जाए। बल्कि यहां तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए, जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर, यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है। और अगर भारत को रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट लेना है, जो मर्जी लेना है, उसके लिए कार्ट ब्लांच परमिशन दी जानी चाहिए। रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। जर्मनी गवर्नमेंट का आरोप है कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का कनेक्शन लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्ला कनेक्शन वाले इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग जर्मनी में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में जुटा था ताकि जर्मनी में इस्लाम का राज स्थापित किया जा सके। अगर तुम्हें जर्मन वैल्यू से, ब्रिटिश वैल्यू से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहां पे यहां फहाशी है, यहां शराब खाने हैं, यहां शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहां तशरीफ ले आए। आप एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गजवा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को, हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे, दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं, हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। डॉक्टर जयशंकर और वेंग यी जो उनके चाइना के इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा मुलाकात उनकी हुई है आसियान में, लाओस के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात, बड़े शॉर्ट पीरियड में। पहली दफा उनकी मुलाकात शंघाई समिट में हुई थी, उस वक्त भी साइडलाइन पे हुई थी, इस वक्त भी उनकी हुई। उन दोनों ने फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फौजें जो हैं वो वापस ले जाएं। चाइना को ये डर है कि भारत अगर वेस्टर्न साइड की तरफ मुड़ता है तो फिर आप एक समझ लीजिए कि वेस्ट के साथ, पूरी एक वेस्ट के साथ, नेटो जो कि एक बहुत जबरदस्त एक बड़ा ब्लॉक है, नेटो के साथ अगर भारत जुड़ता है तो चाइना के लिए जो रेपरकशंस हैं वो थोड़े गंदे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने S-400 को LAC पर डिप्लॉय कर अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने ही फाइटर प्लेन्स को दुश्मन का प्लेन बनाकर डिफेंस सिस्टम को भेदने की कोशिश की। LAC पर हो रहे इस प्रशिक्षण से को चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे और भारत के डिफेंस की मजबूती देख चाइना पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। दूसरी ओर जर्मनी में एक मस्जिद को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां की सरकार को खबर थी कि उस मस्जिद से आतंकवादी साजिश की जा रही है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया की सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसे खतरा है,
उसे दहशतगर्दी से खतरा है और इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है कि अगर है तो देखा जाए, निपटा जाए और साथ ही चाइना को काउंटर करने, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई है। तो जहां हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेनेटर मार्को रूबियो हैं उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है मेरे सामने, वो भी ओपन है और जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है वहाँ पर भी मौजूद है। सेनेटर रूबियो सेड द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन वुड सेट ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी दैट द यूएस विल सपोर्ट India in its response to growing threats to its territorial integrity, provide security assistance to India against enemies and cooperate with India with respect to defense, civil space and technology. सिर्फ अगर आप ये few sentences देख लें तो इसमें सब कुछ शामिल है कि हर डिपार्टमेंट में स्पेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक में इंडिया की मदद की जाएगी, इंडिया को हेल्प आउट की, बल्कि यहां तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए, जो नेटो का दर्जा है यूएस के लिए वैसे ही इंडिया को रखा जाए उसी लेवल पर, यानी कि इंडिया को जो है वो उन्होंने लेवल चुक देता है, उठा दिया है। बोला कि भाई चाइना जो है बड़े एग्रेसिवली अपना डोमेन एक्सपैंड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज की सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी के ऊपर काफी हद तक हमला कर रहा है। तो कहते हैं कि भाई यूएस का इसमें अमेरिका का बहुत एक जो सपोर्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। यहां पर भारत का जो एक रोल उनकी तरफ से है वो बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा और उसके लिए उन्होंने एक बिल पास करने की कोशिश करी है। अब देखिए पहले मैं बिल की बात कर लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे क्या है, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये बिल क्यों पास हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भारत की तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि साहब यूएस को ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा और डिफेंस कोऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है और इस तरह की आवाजें भारत से ऑब्वियसली उस तरफ जा रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल गेम भी है उनके लिए। देखिए अभी इस टाइम पे सेनेटर रूबियो जो रिपब्लिकन के हैं उन डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर हैं, उनको ऑब्वियसली इंडियन लॉबी की सपोर्ट चाहिए होगी तो उसके लिए भी कुछ करने की बात है। बट कहीं ना कहीं ये मार्को रूबियो इज नॉट अ इजी प्लेयर, ये काफी गहरा हुआ, काफी ठहरा हुआ, काफी जबरदस्त बंदा है। इसके बिल्स कहीं ना कहीं यूएस कांग्रेस में काफी वेट कैरी करते हैं, यूएस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफी वेट कैरी करते हैं। लेकिन इसके चक्कर में मैं पहले ही बोलना चाहूंगा भारत को कोई कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन अपने लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। इसके अंदर भारत को कुछ फायदा होता है तो जरूर हमको लेना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब उनकी झोली में जाके हम अपना सारा कुछ आगे रख दें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।